नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इन सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी सातवें आसमान पर है। आम आदमी को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है, मगर सरकार कुंभकर्णी नींद सोई है। यह बात प्रदेश युवा अध्यक्ष निगम भंडारी ने राजगढ़ में युवा मोर्चा की ओर से आयोजित पच्छाद और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अगर महंगाई एक रुपया भी बढ़ती थी तो भाजपा के वरिष्ठ नेता प्याज की माला और खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर नारेबाजी करते थे, मगर आज अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। इसी प्रकार रसोई गैस का सिलेंडर भी 1000 रुपए के रेट को पार कर गया है, मगर केंद्र और राज्य सरकार चैन की नींद सो रही है। खाद्य पदार्थों के दाम सातवें आसमान पर हैं और आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। राजगढ़ से हमारे संवाददाता गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट। आज जिला सिरमौर युवा कांग्रेस की तरफ से 2 विधानसभाओं की विशेष तौर पर बैठक रखी गई थी, जिसका आज का जो मुख्य जो एजेंडा था आज की इस बैठक का, देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जिस तेजी से बढ़ रही है, इसको लेकर आज पूरा का पूरा पच्छाद विधानसभा और रेणुका विधानसभा का जो यूथ है आज इस बैठक में उपस्थित है। और आप देखिए कि भाई आज महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुँच गई है। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब अगर महंगाई अगर 1 रुपये भी बढ़ती थी या पेट्रोल डीजल का अगर 1 रुपये भी दाम बढ़ता था तो लगातार आपने देखा होगा हमारे स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी, तमाम जितने भी ये भाजपा के बड़े नेता थे अपना गैस सिलेंडर लेके या प्याज की मालाएँ लटका के सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे। पर लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, आपने देखा होगा जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो 100 के पार हो चुके हैं और रसोई गैस के दाम 200 के पार हो चुके हैं। पर लेकिन तमाम जितने भी ये नेता हैं, चाहे प्रदेश के भाजपा के नेता हैं, चाहे केंद्र के जो भाजपा के नेता हैं, चाहे उसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, पर सारे के सारे आज चुप्पी साध के बैठे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मुद्दे को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो बड़ी समस्या है बेरोजगारी का, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो सबसे बड़ा वादा युवाओं के साथ किया था, अगर आपको याद होगा उनके मैनिफेस्टो में सबसे जो बड़ा वादा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक घर से एक युवा को रोजगार देगी। पर आप देखिए आज लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। जो रोजगार देने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया तो जुमला साबित हो गया है और पूरा का पूरा प्रदेश का जो युवा है आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इन दोनों मुद्दों के खिलाफ अभी हम इस बैठक के बाद यहाँ से रैली के माध्यम से पूरे राजगढ़ में पूरे रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में अगर इन दोनों मुद्दों पर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में अगर हमारे को जरूरत पड़ी सड़क से लेकर, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे सड़क से लेकर संसद का घेराव करना पड़े, तो युवा कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।